केरल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल वो अपना सा का सेट, जहां जिंदल परिवार में हो गया है बंटवारा और ये बंटवारा किया है आदित्य ने। दरअसल निशा से परेशान आदित्य के पास बंटवारे के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। बंटवारे के एक तरफ आदित्य और निशा है तो दूसरी तरफ आदित्य के काका और काकी, और आज तबीयत खराब होने के बावजूद आदित्य अपनी काकी से मिलने के लिए काका से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन काका है कि आदित्य को खरी खोटी सुना रहे हैं। आदित्य कभी भी उसकी बात सीधी सीधी समझता नहीं है, तो उसको शी हैज़ टू कीप डूइंग टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें। और अभी भी कुछ ऐसा ही है, उसने आदित्य को मना किया था, तुम्हारी वीकनेस बहुत बढ़ गई है, प्लीज़ मत उठो बेड से, पर वो बात माना नहीं और वो बेड से उठ गया। तो क्या कर सकती है निशा, हस्बैंड को वाइफ की बात माननी चाहिए, बस दैट्स इट। निशा ने नहीं कहा था उसे बंटवारा करने के लिए, निशा को तो सब कुछ चाहिए, उसने नहीं कहा था कि मुझे आधा दो, वो आधा करने का प्लान आदित्य का था, और अब बंटवारे की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, काकोसा को बहुत बुरा लग रहा है, उसकी वजह से वो अपनी काकी माँ से मिल नहीं पा रहा है, तो आई थिंक बंटवारा क्यों किया, आदि नहीं करना चाहिए था, तो मैं सिर्फ निशा की बात सुननी चाहिए थी और सब कुछ उसको दे देना चाहिए था।